गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉमसन व्लॉग्स। तो गाइस, सुबह हो चुकी है, सुबह के बज रही हैं 9। और आज जो मेरा यूटी था, यूटी 3 जो मेरे चल रहे हैं, उसके अंदर जो फ्रेंच का मेरा यूटी था जब कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छा गया गाइस, मतलब बहुत बढ़िया गया है। एंड गाइस, अभी तो फिलहाल मैं अपनी क्लास करने जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के, अरे खुल जा, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:15। एंड गाइज, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ और नहा धो के मैं अभी रेडी हो चुका हूँ। चलिए मैं दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट में क्या है। बस वही अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट, मतलब कह सकते हैं हम, क्योंकि ये है दूध, तो दूध से एनर्जी मिलती है। तो गाइज, अभी मेरी सारी ऑनलाइन क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, बट अभी एक और मीटिंग है सभी पेरेंट्स के साथ, जो है प्रिंसिपल मैम की मीटिंग है 6 to 8 ये क्लासेस के सभी बच्चों के पेरेंट्स के साथ। और वो इसलिए है क्योंकि जो, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 6 to 8 के जो है दिल्ली में अब स्कूल खुलने वाले हैं 8 November से, इसीलिए जो है इसी रिगार्डिंग हमारे स्कूल ने प्रिंसिपल मैम के साथ एक मीटिंग रखी हुई उसी सब बातचीत के लिए। तो फिलहाल अभी हम वो मीटिंग करेंगे और फिर आपसे मिलेंगे। गाइस, अभी जस्ट प्लान बनाया है, कनिष ने बोला है कि मुझे दिवाली पे कुछ ट्रेडिशनल पहनना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए कुर्ता परचेज किया जाए। तो अभी हम जा रहे हैं मार्केट इसके लिए, कुर्ता लेने के लिए, देखते हैं इसको कैसा पसंद आता है। बाकी जो भी होगा आप वो दिवाली वाले दिन देख ही लेना, जिस तरीके का भी ये लेगा। क्यों? हाँ देखो, ये दो डॉग्स है ना, पूरी बुरी तरह लड़ाई हो रही थी, इतनी बुरी तरह लड़ाई हो रही थी कि पूछो मत। ये तो एक दूसरे पे ऐसे भड़ास निकाल रहे थे जैसे पता नहीं कितने सदियों के दुश्मन है। भैया, ये भैया भी खड़े हैं साथ में, इनका डॉगी है, बट इन दोनों की इतनी बुरी तरह लड़ा, मैं इससे पहले बहुत तेज लड़ाई होती है। एक्चुअली सच में बताऊं तो बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं नहीं बना पाई वीडियो। मैं वैसे आपको दिखा देती हूँ। तो गाइज, अभी अब हम अपने घर पे वापस आ चुके हैं मार्केट से। एंड गाइज, आज फिर से टेम्परेरीली बाय बाय बोल दिया है हमें लाइट ने टेम्परेरीली, तो पता नहीं, या छोड़ो, कभी कभार तो वैसे जाएगी, लेकिन काफी टाइम, 2 घंटा हो गया इवन जाए हुए। हम जब गए थे मार्केट, 2 घंटा हो गया हमें मार्केट में भी, तो हम जब गए थे उस टाइम पर गई थी, फिर जब हम लौटे तब भी गई हुई है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। बट चल, वैसे तो मैं अभी मार्केट से वापस आ चुके हैं, और जो मेरा कुर्ता था हम वो जो है जो बना बनाया नहीं लाए हैं, बल्कि वो मैं बनवाऊंगा अभी कुर्ता, मतलब हमने दे दिया है कपड़ा बनवाने के लिए। अब वो जो टेलर जो अंकल हैं वो बना के हमें जो है परसों तक दे देंगे, यानी वेडनेसडे तक दे देंगे, यानी कल तक दे देंगे, जब आप ये व्लॉग दे रहे होंगे तो उस हिसाब से तो कल ही। और गाइस देखिए कितनी शाइन कर रही है मेरी आंखें, मतलब अलग सी जगह लग रहा है, मैंने को डाल रखा है और मैं एलियन सा लग रहा है ना गाइस। ये देखिए, आप नहीं दिख रहा होगा, ऐसे देखो कितनी शाइन कर रही है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ मम्मी क्या कर रही है। तो गाइस, अभी मम्मी जो है वो यहाँ पर लगा रही है, ये क्या कहते हैं मम्मी इसको, हाँ सजा रही हैं। और ये मम्मी ने पहले ही सजा दी थी जब हम वहां से लाए थे, जो दूसरी मार्केट गए थे, अभी हमने जो मार्केट गए थे ये वाली हमारी लोकल मार्केट, तो वहां से लाए हैं, तो मम्मी अभी सजा रही है। बाकी शुभ दीपावली और सब तो हमने हर जगह हर गेट पे लगा ही दिया है। तो गाइस, फिलहाल अभी हम अपने बालकनी में खड़े हुए हैं और अभी बज रहे हैं, मतलब शाम हो चुकी है। और गाइस फिलहाल मैं तो सो गया था, मम्मी भी सो गई थी, है ना मम्मी? हाँ, मैं भी सो गई थी थोड़ी देर आज। हाँ, दिन में नींद आ गई थी यार ना, थोड़ा लेजी में सोता था।
हाँ, क्योंकि फिर सुबह भी उठा था मैं अपने UT3 एग्जाम के लिए, और फिर उसके बाद फिर हम सो गए और उतनी देर में मेरे लाइट आ गई। उतनी देर में मम्मी को पता था, मम्मी तब उठे थे ना वैसे, हाँ, जब लाइट आई थी। लाइट पता है 12 बजे की गई हुई, ओह माय गॉड, 12 बजे की गई हुई, और शाम को आई है 5:30 बजे। और बाकी चलिए मैं आपको आप यहाँ की डेकोरेशन दिखा दो, अपनी डेकोरेशन नहीं दिखाऊंगा, वो तो आपको दिवाली के टाइम पर ही पता चलेगा। तो मम्मी ने काफी अच्छा डेकोरेट किया, आप भी काफी अच्छा बोल रही हैं। बेटा थोड़ा सा रह गया। हाँ वैसे अभी लाइटिंग वाइटिंग का तो कर ही दिया है, लाइटिंग कर दी है। और बाकी जो रंगोली मंगोली होगी, जो मस्त वाली जो होगी ना, वो तो हम उसी दिन, मतलब छोटी दिवाली या छोटी दिवाली से पहले करेंगे। ये देखिए ये और घरों की जो है, ये है लाइटिंग, ये भी है और ये भी है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है पूरा। और ये मंदिर की लाइटिंग देखिए गाइस, है ना, बड़ी अच्छी लग रही है ये मंदिर की लाइटिंग। और भी काफी सारे जगहों पे लाइटिंग हो रखी है, आपके वहां पर भी हो रखी होंगी, आपने भी लगाई ही होंगी। तो गाइस मेरे डिनर का टाइम अब आ चुका है, और डिनर में आज मम्मी ने बनाया है रोटी दवाई, साथ में बैंगन का भरता है, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आलू की सब्जी, भंडारे वाली आलू की सब्जी बोलता हूँ एक्चुअली गाइस मैं ये, क्योंकि भंडारे में ऐसी टाइप की मिलती है। और गाइस जो भंडारे में मिलती है ना, मस्त होती है वो। और मम्मी भी कभी कभी ऐसी बनाने की कोशिश करती है, और मम्मी अच्छा करती है, मम्मी काफी अच्छी बनाते हो आप ये सब्जी। और साथ ही में गाइस ये चीज तो देखी, मम्मी ने एक नया इन्वेंशन किया है। हाँ वो एक ही सब्जी है, बट मेरे लिए तो एक नया इन्वेंशन ही है, क्योंकि मैंने तो पहली बार देखा है। तो ये है शिमला मिर्ची है ना मम्मी, स्टफ्ड स्टफिंग है जिसके अंदर आलू की, तो स्टफ्ड शिमला मिर्च है। तो मैं तो पहली बार खाने जा रहा हूँ मम्मी, मैंने पहली बार ही खा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे कोई पता नहीं कि बचपन में खाया कि नहीं। थैंक यू। तो ठीक है मैं इसको ट्राई करता हूँ। और साथ ही में मम्मी ने बनाए हैं ये सैलेड, हाँ काटा है ये खीरा और सैलेड, और ये देखिएगा मिर्च खा, देख कर ना मेरे मन कर जाता है खाने का, लेकिन मम्मी मना करती हैं। मम्मी क्यों? हाँ ये भी है, कभी कभार होता है, फिर चीनी खानी पड़ती है, कुछ मीठा खाना पड़ता है, मिठाई विठाई। सो गाइस अभी जो है मैं यहाँ पर अपने जैसे कि ड्राइंग रूम में कर रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर तो है नहीं कुछ टीवी वीवी, तो इसलिए मैं अपने फोन पे ही मूवी कोई लगा लेता हूँ, और फिर बाद में हम आपसे मिलते हैं। तो गाइस डिनर हो चुका है, अभी बज रहे हैं रात के 10:30, ये व्लॉग एंड करने का टाइम हो गया है, क्योंकि अब हो गया है सोने का टाइम। तो गाइस कनिष्क, तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करते, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है मॉम्सन ब्लॉग्स यूट्यूब, जिसमें जो है हम रील्स पोस्ट ये सब फोटो पोस्ट करते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको हर चीज़ की अपडेट मिल जाएगी, हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, तो वहाँ पर भी जाके ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Guys.